अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ्स है क्लास 8 की, जिसका यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 होगा, जिसमें पार्ट बी क्वेश्चन 11 एंड 12 हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, जिसमें हमें डिवीजन मेथड पे स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो ये रकम रखते हैं इस पर 727.92404। इसके पार्ट्स जो हैं, पहले जो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको तरीक़ेकार का पता चल जाए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पैर बनेंगे अशारा से इस तरफ राइट साइड पे बनते हैं, और अशारा के लेफ्ट साइड पे ऐसे पैर बनते हैं। तो ये पैर बन गया, तो 7 बच गया। अभी 7 पे ही टेबल लगानी है, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो ये 2 की टेबल लगाएंगे, ये 2 इधर 2 रख देंगे, 2 2 था ये 4 हो जाएगा, और जमा कर दें तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। 7 में से ये माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3, फिर 27 ले आएंगे नीचे, पैर उतार देंगे पूरा 327। तो यहाँ कोई ना कोई डिजिट रखेंगे उसको, और इसको जहन से निकाल दें तो 4 की टेबल 32 पे 8 मरतबा जा रही है, लेकिन अगर ये 8 8 64 तो 6 बच जाएंगे, और 8 4 32 और 6 8 30 बढ़ जाएगा। अगर हम 7 रखें तो 7 7 49 के 9 आ जाएंगे इस तरफ, और 7 4 28 और 4 34 9 ये भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ टेबल हम लगाएंगे 6 की, तो 6 6 36 हासिल 3, और 6 4 24 24 3 27। तो ये पैर बन गया, तो इधर हम 6 ले आएंगे, तो ये जमा करेंगे, ये हो जाएगा 52। यहाँ पे देखें, माइनस करें, 7 में से 6 या 1 बचा, 1 इस तरफ आ जाएगा, यानी हो जाएंगे 12 12 में से ये गए, तो ये 51। देखें 51 छोटा है 52 से, तो हमने टेबल 6 की सही लगाई है। अब ये पॉइंट दे दें, फिर ये पैर ले आएँ 92 का। अब 92 पे देखें, यहाँ कोई डिजिट रखेंगे उसको, उसको दिमाग से निकाल दें, इस दूसरे को यानी यूनिट 10 को निकाल दें। बाकी 5 की टेबल 51 पे 10 मरतबा जाएगी, हम 10 मरतबा टेबल लगाते नहीं हैं, 9 टाइम्स लगाते हैं। तो अगर 9 रखें तो 9 की ही टेबल लगेगी यहाँ पे, तो 9 9 81 हासिल 8, 9 2 18 और 8 20, 9 9 81 हासिल 8, 9 2 18, 18 और 8 26, 26 2 हासिल 2, और 9 5 45, 45 2 47। ये जमा करते हैं, ये हो गया 8 3, ये 9 9 18 हासिल 1 3, और ये 5। ये माइनस होगा, तो ये 1 का 1 रहेगा, 9 में 6 के ये 3 बचा, 1 इस तरह के 11 11 में से 7 के 4 431। ये पैर बन गया, तो 9 इधर रख देंगे, और फिर पूरा पैर ले आएंगे 04। अब देखें 4 बचा है, तो 4 पे 2 टेबलें जा सकती हैं, एक तो 2 की 2 2 4 हो जाता है, दूसरी 8 की 8 8 64 64 का 4 आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक टेबल इस पर लगनी चाहिए। आप क्या लगाएं, ये देखें, इस पे देखेंगे, ये यूनिट कोई रखेंगे, यूनिट 10 100, इसको दिमाग से निकाल दें, यूनिट 10 100 को दिमाग से निकाल दें, तो 5 की टेबल 43 पे 8 टाइम जाएगी, तो ये 8 लगेगा, 2 नहीं लगेगा। 8 8 64 हासिल 6, 8 8 64 और 6 70 हासिल 7, 8 3 24 और 7 31 हासिल 3, 8 5 40 और 3 43। देखें पूरी टेबल लग गई, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, और ये 8 और 16 हासिल 1 9 3 और ये 5। तो ये जो हमारा स्क्वायर रूट निकला, यानी 7 727.9204, इसका जो स्क्वायर रूट हमें निकला वो निकला 26.98। तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रकम मिली हुई है वही आंसर आ जाएगा। तो 12 नंबर देख लें, इसको भी उतार देते हैं यहाँ पे,
7613.60953 और ये 6, तो ये अब तीन पैर बन गए, एक ये और एक ये, यहाँ पे दो पैर मुकम्मल बन रहे हैं, तो इसी पे ही टेबल लगेगी। अब 76 है तो 76 पे टेबल, 9 9 81 बढ़ जाएगा तो 8 की टेबल लगेगी, 8 8 64 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 16 और 70, ये 6 में से 4 की 2 और ये 12 बचे, तो फिर ये ले आए 30। यहाँ कोई डिजिट रखेंगे उसको और इसको दिमाग से निकाल दें तो बाकी 16 की टेबल 121 पे कितनी मरतबा आ जाएगी, 7 मरतबा जाएगी, 8 मरतबा तो बढ़ रही है तो 7 मरतबा हम लगा देंगे। तो देखें 7 7 49 हासिल 4 और 7 6 42 और 4 46 हासिल 4, 1 7 7 7 और 4 11। तो यहाँ पे ये 7 ये जमा करते हैं, 7 और 7 14 हासिल 1, ये हो जाएगा 7 और ये 1, तो ये माइनस करें, ये एक इस तरफ 13 13 में से 9 के 4 बचेंगे और यहाँ 0 बचा, एक इस तरफ जाएगा 10 10 में से 6 के 4 बचेंगे, तो ये 42 हो गया। और अब ये पॉइंट देंगे, पॉइंट देंगे ये पैर उतार लेंगे, यानी ये 60 नीचे ले आएंगे, तो इस पे भी इसी तरह टेबल लगानी है। ये यूनिट 10, यूनिट 10 को निकाल दें, बाकी 17 की टेबल इस पे 3 मरतबा तो बढ़ जाएगा, 2 मरतबा लगा देंगे, ये 2 मरतबा भी लगे लेकिन लग जाएगी, 2 2 द 4 हो जाएगा और 2 4 द 8 हो जाएगा, 2 7 द 14 हासिल 1 और 1 2 द 2 2 और 1 3, ये 2 निकाल लिया हमने, ये हो जाएगा 1700, ये 44 और ये माइनस करें 10 10 में से 4 के, ये बचे 6 और एक इधर बचे 5, तो एक इस तरफ आ जाएगा 15 15 में से 8 के 7 और यहाँ बचे 3 3 में से 4 नहीं जा रहे, एक इसके 13 13 में से ये गए तो बचेंगे 9, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे। 60 उतार दिया था, अब 95 ले आए इधर। अब देखें ये यूनिट 1000 दिमाग से निकाल दें, यूनिट 1000 दिमाग से निकाल दें, बाकी 75 की टेबल 97 पे 6 17 102 बढ़ जाएगा तो ये 5 की टेबल लगेगी, 5 5 द 25 हासिल 2, 5 2 द 20 और 2 22 हासिल 2, 5 4 द 20 और 2 22 हासिल फिर 2, 5 7 द 35 और 2 37 हासिल 3, 1 5 द 5 5 4 3 8, तो ये 5 रख दें इधर और ये हो गया 10 एक ऊपर, ये हो गया 5, ये 4 7 और 1, ये माइनस करें तो ये हो जाएगा 0, 9 में से 2 गए 7 बजे और 4 बजे तो बस ये 470 हुआ, तो पैर लास्ट उतार दें इधर 36 36। अब देखें 36 पे कौन सी टेबल जा रही है, यहाँ पे 6 है, 6 पे जाएगी 4 की टेबल, यानी 4 4 द 16 6 आ रहा है, फिर 6 की टेबल 6 6 द 36 का 6 आ रहा है, तो अब देखें कौन सा लगना चाहिए, 4 लगना चाहिए या 6 लगना चाहिए। इसके लिए ये यूनिट 1000 को दिमाग से निकाल दें, यूनिट 1000 को दिमाग से निकाल दें, बाकी 30 ये 17 की टेबल यहाँ पे 47 पर तो लाजमी तौर पर 2 मरतबा जाएगी, 6 तो पता नहीं कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, तो ये 2 4 की टेबल, ये सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी बच रहा था लेकिन हमने इधर ही इधर ध्यान नहीं गया, तो 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा और 9 में से 8 गए 1 बचेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये इसको हम फिलहाल इसको आप छोड़ दें, 36 को जो हमने अब उतार दिया, ठीक है अब उतार दिया 36। अब देखें कौन सी टेबल लगेगी, तो ये यूनिट 1000 और 1000 इसको दिमाग से निकाल दें, तो यूनिट 1000 को दिमाग से निकाल दिया तो 17 की टेबल 104 पे
या तो चार मरतबा जानी चाहिए या तो छः मरतबा जानी चाहिए। तो 104 पे 17 की टेबल छः मरतबा जाएगी, तो ये 6, सीधी बात है। तो 6 इधर 36, तो ये 0 है, तो 36 का 36 रहेगा। और 65 इधर 30 हासिल 3, और 64 इधर 24 और 3 27 हासिल 2, और 67 इधर 42 और 2 44 हासिल 4, 16 इधर 6 और 4 10। तो ये हो गया, तो ये हो गया 12, 5 4 7 1 पेयर बन गया, तो ये निकला। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 17,613.609536। इसका जो स्क्वायर रूट बना वो बना 87.256। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।